अब खबर यह है कि बलोचिस्तान के वजीर बल्दियात सरदार सरफराज खान डोमकी इंतकाल कर गए हैं। सरफराज डोमकी अदालत के बायस कराची में जेरे इलाज थे। मरहूम को आज आबाई इलाके सिबी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बलोचिस्तान के वजीर बल्दियात के हवाले से ये खबर सामने आई है कि सरफराज खान डोमकी इंतकाल कर गए हैं। सरफराज डोमकी अदालत के बायस कराची में जेरे इलाज थे। मरहूम को आज उनके आबाई इलाके सिबी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान के ये वज़ीर बल्दियात थे सरदार सरफराज खान डोमकी, जो आज इंतकाल कर गए हैं। सरफराज डोमकी अदालत के बायस कराची में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम को आज उनके आबाई इलाके से भी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ईसा तरीन से। ईसा, बताइएगा कि सरदार सरफराज खान इंतकाल कर गए हैं, कब तक उन्हें उनके आबाई इलाके ले जाया जाएगा और नमाज जनाजा के बारे में क्या इत्तला हैं? जी, अब तक नमाज जनाजे के बारे में करीबी जराये ने कोई से बताने से नहीं बताया। उनका कहना है कि सरफराज डोमकी जो कुछ आते थे आलिम थे और कराची के एक अस्पताल में जर इलाज थे, जिस तक सब रात गए तक उनका इंतकाल हो गया है। वो बलूचिस्तान काबीना में वजीर बल्दियात के अहदे से तैनात थे और बलूचिस्तान खाबात में सिद्धि से कामयाब हुए थे। करीबी जरा का कहना है कि मरहूम को आज किया जाएगा, जिसके बाद जनाजे का ऐलान किया जाएगा। ठीक है, इस तरीन आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।